वोट छोड़ना होगा हाथ पीछे करें सर बताएं क्या करें जो यहाँ पे जो शायद नायब तहसीलदार और कोई अमला था यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे देखा है निशान निशान लगाए हैं तो हमें ये उम्मीद है यहाँ पे हमारे जो एम जी साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम छोटी दुकानों को नहीं छेड़ेंगे और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो भी है यहाँ पे ये लोग 47 से पहले हम यहाँ पे हैं हमारे बाप दादा जितनी पीढ़ियाँ भी हमारी 5-7 पीढ़ियाँ भी हैं हमारी जो पहले से है और यहाँ पे हमने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमें बाकी ये जहाँ पे जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमारे पास देना है उसके हमने कागज 10 दिन का टाइम दिया है हमें इंशाल्लाह हम कागज हमने इस वक्त इंसानियत के तौर उनकी इज्जत से हमने कहा कि आप जैसे आपकी ड्यूटी है आप करें तो बाकी अगर किसी के पास जैसे 10 कनाल या 5 कनाल या 20 कनाल होगी तो उस पर कार्रवाई कर सकते हो तो अगर किसी के पास जनाब वाला अपनी जगह है वहाँ पे अगर वो कागज हैं सब कुछ हैं तो हम इंशाल्लाह कागज दिखाएंगे इनको उन्होंने बोला कि आज हम कागज नहीं देखेंगे तो हमारे दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी थे उनकी जगह भी होगी वहाँ पर गवर्नमेंट है हम इनके दावत करते हैं इसलिए कि यहाँ पे जो है हम भी चाहते हैं कि यहाँ जो है एल जी साहब ने कहा है हम मतलब यहाँ एक दुकान दो दुकान को नीचे ऐसी कोई बात है तो यहाँ पे पहुँच में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है ये तकरीबन 50 साल 60 साल हुई है यहाँ पे किसी को भी ऐसे करेंगे तो जल्दी तो होगी तो हम यही चाहते हैं जनाब अला के एल जी साहब का जो कहा है उन्होंने वो सब भी उन्होंने कहा है कि हम किसी के दुकान को नहीं छेड़ेंगे किसी के मकान को नहीं छेड़ेंगे तो अगर उनको लगता है कि कागज हम इंशाल्लाह कागज दिखाएंगे और जितने भी हमारे पड़ोसी है सब अपने अपने कागज का टाइम दिया गया हमारे